हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ऑब्लिक कंडीशंस का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और उनमें से एक ब्लॉक एक्सिक्यूट करने का काम करता है, उसी जगह पर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैव वन और मोर कंडीशंस टू एवलेट द और टेस्ट बाय द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम को टेस्ट करता है, एवलेट करने का काम करता है ब्लॉक को, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी ट्रू, यानी ट्रू और फॉल्स, जहां पर एक से अधिक रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी होता है। डिसीजन मेकिंग बेसिकली हम लोग, जैसे हमने बताया कि अगर मान लो आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, यानी कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो वैसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन ऑब्लिक डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं, जहां पर प्रोग्राम को ये डिसाइड करता है कि ये पार्ट ट्रू पार्ट है कि ये पार्ट फॉल्स पार्ट है। अगर कंडीशंस, जब हम लोग कंडीशंस लगाते हैं उस पार्ट को ट्रू करता है तो ट्रू पार्ट भी एग्जीक्यूट, अगर नहीं होता है तो हम लोग अनदर ब्लॉक में पार्ट को जाते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास, जैसे हम बताएं कि अगर इंटरमीडिएट पास करते हो तो तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, या कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, या आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हो। तो ये तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं। अब जैसे तुम इंटरमीडिएट पास करते हो, अगर साइंस से तुम इंटर किया है तो अब तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि अब तुम फिजिक्स ऑनर्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, या अब जो भी पेपर तुम्हारा रहा उस पेपर को रिस्पेक्टिव पेपर के साथ जा सकते हो। तो जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा रेंज धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, क्या हम लोग सब एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या हम सारे पेपर साइंस का भी पढ़ लें, सारा पेपर हम आर्ट्स का भी पढ़ लें, सारा पेपर हम कॉमर्स का भी पढ़ लें, क्या ये संभव है? नहीं है। हम कुछ पेपर को जरूर ले सकते हैं इलेक्टिव के फॉर्म में, लेकिन सारा पेपर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कम्प्लीट, ये संभव नहीं है। अगर हम लोग, संभव तभी है जब हम लोग कम्प्लीट उस मोड में जाते हैं, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तो वैसे जगह पर हम लोग डिसीजन मेकिंग का हम लोग यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग बेसिकली इज अ थ्री टाइप। नंबर वन इज अ इफ स्टेटमेंट, नंबर टू इज अ इफ और एल्स स्टेटमेंट, नंबर थ्री इफ एल्स स्टेटमेंट, और नंबर फोर्थ में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो ये सारे हम लोग का डिसीजन मेकिंग है, जो हम लोग यहाँ पर जब कंडीशंस ट्रू होता है तब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो वैसे जगह पर हम लोग कंडीशंस ऑब्लिक डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, और स्विच केस का हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें समझा कि कंडीशन हम लोग क्यों लगाते हैं, जहां पर हम लोग ने ये देखा कि हमारे पास एक से अधिक रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, वहां पर हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।